दोस्त, उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत प्यारे होंगे। आज हम एक सेट पर बैठे हैं, शमा प्रोडक्शन की जानिब से फिल्म एक प्रोड्यूस कर रही हैं मैडम शमा, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो फिल्म क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं, किस मकसद के लिए कर रही हैं। तो हाँ मैडम शमा, ये बताएं आप कि सुना कि आप फिल्म एक बना रही हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मुहब्बे वतन पर, जी तो कोई एम या कोई आपका ऐसा मकसद होगा जिस पर आप फिल्म बनाना चाह रही हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं कुछ ऐसा चाइना में रह कर आई हूँ और मुझे ये फील हुआ है कि हमें ऐसे मूवी बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती दिखाई जाए, इसलिए मैं ये मूवी बनाना चाहती हूँ। वेरी गुड, इसमें तो कोई शक भी नहीं है, इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती है और इस तरह अल्लाह करे दोस्ती रहे। लोग तो चाहते हैं कि दोस्ती ना हो, लेकिन ये मेरा खुदा चाहता है कि दोस्ती रहे और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें। तो आपने जो सिलेक्शन करनी है फनकारों की, क्या पाकिस्तान से करेंगी या चाइना से करेंगी? जी, मैं चाहूँगी कि मैं दोनों मुल्कों से सिलेक्शन करूँ, पाकिस्तान से भी और चाइना से भी, ताकि हमने इनको दोस्ती दिखानी है तो दोनों मुल्क ही नज़र आने चाहिए, उन मुल्क के भी बाशिंदे हैं और पाकिस्तान के भी आने चाहिए, फिर ये मूवी बनेगी। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान से भी कुछ आर्टिस्ट ले रही हैं और कुछ चाइना से ले रही हैं, तो इस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये मूवी होगी बहुत अच्छी होगी और ये आपकी अच्छी कोशिश है। तो इसमें आप सिलेक्शन कर रही हैं या अभी सिलेक्शन नहीं किया? देखिए जी, ये मरहला जारी है, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप सब हमारे साथ हैं, दुआ कीजिएगा कि और इंशाल्लाह बहुत जल्द सिलेक्शन होगी तो फिर हम उस पर काम शुरू करेंगे। जी, मैडम शमा ने कहा कि बहुत जल्द हम सिलेक्शन करेंगे, इंशाल्लाह मुल्तान से काफ़ी लोग इस मूवी में काम करेंगे और वो कौन खुश नसीब होंगे इसका तो मुझे पता नहीं, ये जब सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों को अपने एक्टर्स दिखाएंगे और म्यूज़िक डायरेक्टर्स दिखाएंगे, फाइट इंस्ट्रक्टर दिखाएंगे, डायरेक्टर दिखाएंगे, स्टोरी राइटर दिखाएंगे। तो उस वक्त तक के लिए आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।